रहा था। मैंने देखा कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी फाइनेंस बिल पे कम बोल रहे थे और उस पर राजनीति पे ज़्यादा। आखिर हम जब बजट को पारित कर चुके, बिल ऑफ अप्रोप्रिएशन विनियोग विधेयक को पारित कर चुके, उसके बाद अगर आज हम फाइनेंस बिल को पे चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर 2024-25 का जो बजट हमने पारित किया है, अब उसके बाद अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो उन्होंने इस फाइनेंस बिल पे हम जब चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक है कि 2024-25 के बजट को प्रस्तुत करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे बजट का जो फोकस होगा उसकी 9 प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस देश में 4 वर्ग हैं, 4 जातियां हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, हमारे किसान और गरीब। तो इन 4 वर्गों के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई, जो एक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उस यात्रा को तेज करें। आखिर इस फाइनेंस बिल से हम बजट के संबंध में क्या उपाय करेंगे? अब हमारा इस फाइनेंस बिल से जो बजट हमने प्रस्तुत किया है, उस विकसित भारत के और 9 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे टैक्स है उसको सिंप्लीफाई करना, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी सर्विसेज में सुधार करना, या हमारे रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू सिट ऑन देयर चेयर, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट दिस साइड। प्लीज टेक योर सीट। जगदम्बिका पाल जी, तो हमारा स्वाभाविक है, मैं अपील करूंगा कि उनकी आपने एलोपी पीयूष गोयल जी, मैं दरख्वास्त करूंगा, यहाँ बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद हैं, गौरव गोगोई जी, सुदीप दादा, कि जिस प्रकार से माननीय सांसद यहाँ खड़े हुए चर्चा कर रहे हैं, सुरेश जी इतने सीनियर, सुरेश जी सीनियर तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ओनली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वहाँ पे देखिए क्या क्या चल रहा है, दैट इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, आप देखिए क्या चल रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज टेक योर सीट, नेतागण कम से कम अपने सांसदों को टेल योर कोलीग्स आल्सो, लेट देम किस प्रकार से पार्लियामेंट पे बिहेव करना वो बताएं, प्लीज टेल योर चलिए मानवर आप शुरू करें। उनकी आदत में है कि वो बोलते हैं और बोल करके चले जाते हैं। एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जब बोलने के बाद अगर हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं, तो उनके प्रश्नों के उनके बिंदुओं का ही जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, तो बिल में आकर के 2 घंटे नारे लगाते हैं। आखिर इस तरीके की संसदीय परंपरा जो एलओपी राहुल गांधी के बनने के बाद हुई है, ये शायद संसदीय परंपरा प्रणाली पे कुठाराघात है और देश को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से अगर मानिए आपने अनुराग ठाकुर जी को बोलने के लिए दिया, जिस तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा, ये सदन का हमेशा एक डिकोरम रहा, देश का सर्वोच्च सदन रहा। अभी हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी ने कहा, और ये परंपरा नहीं होती, और ये उपनेता थे, उनसे अगर अपील कर रहा हूँ, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि अब फाइनेंस बिल पे चर्चा हो रही है, कृपया सभी लोग इसमें भाग लेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस फाइनेंस बिल का मकसद केवल ये है कि जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 9 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का संकल्प है, उसको प्राप्त करने के लिए हम इस फाइनेंस बिल के माध्यम से 2024-25 का क्या होगा, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, टैक्स का सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा, टैक्स पेयर्स के सर्विसेज में किस तरीके से सुधार होगा,
या जो अननेसेसरी कोई लिटिगेशंस होते हैं उन लिटिगेशंस को कैसे कम किया जाए, ये लगातार प्रयास करके और टैक्स पेयर्स को उनके प्रयासों को अच्छी तरीके से प्राप्त किया जाए। मैं इसमें आज कहना चाहता हूं मानवर कि कितना बड़ा अचीवमेंट है कि आज हम जब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन इन टैक्सेशन की बात करते हैं, आज इस फाइनेंस बिल पर जो चर्चा हो रही है, इसमें जो टैक्सेशन के सिस्टम की रूपरेखा है, आज 2022 और 23 में जो टैक्सेशन सिस्टम था उसकी तुलना में ये बजट 58% टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा कि 58% का एक सिंप्लीफिकेशन होने जा रहा है। और ये जो 22-23 के कॉरपोरेट कर या 58% जो सरलीकृत हो रहा, ये उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछली वित्तीय वर्ष में दो तिहाई से अधिक जो टैक्स पेयर हैं उनकी जो नई अपनी एक पर्सनल टैक्स की जो स्कीम आई है उसका जो विकल्प चुना था। और ये 2024-25 को लेकर के केंद्रीय बजट में जो भारत का एक वित्तीय परिदृश्य है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए। इसमें प्रमुख रूप से जो हाइलाइट्स है, टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि आज इस बजट में और जो भविष्य में 24-25 में हम इस फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, देश के वेतन भोगी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए जो नई कर व्यवस्था लगी है या उसकी जो संरचना हुई है उसको संशोधित किया गया है। और अब सभी वेतन भोगी हमारे जो देश के कर्मचारी हैं उनको 17,500 का लाभ होगा। ये अपने आप में निश्चित तौर से एक बड़ा कदम है जो सरकार ने उठाया। और इस संशोधन का उद्देश्य जो है, ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो प्रणाली है, जो हमारा टैक्स का सिस्टम है, उसके लिए उनको उपयोगी बनाना, उनके लिए अनुकूल बनाना और इसका अनुपालन करके करदाताओं पे वित्तीय बोझ कम हो, इस तरीके की रचना की गई है और यही इसके अमेंडमेंट का है। और इससे उद्देश्य का परिणाम होगा कि व्यवस्था भी सरल होगा, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं वेतनभोगी के साथ पेंशन भोगियों को भी काफ़ी राहत दिया गया, जिसको मैं अभी आपसे कहूँगा। तो इस तरीके से डिस्पोजल आय वालों को भी बढ़ाना, देश की समग्र आर्थिक इकाई को भी लाभ पहुँचाना। मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 2024-25 का हमारा फाइनेंस बिल है, इस फाइनेंस बिल में सबसे पहला हमारा है टैक्स रिफॉर्म, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा जो चीज़ें हैं उसको देना है, या फिर हमारे साथ किस तरह की ट्रांसपेरेंसी हो टैक्सेशन में या हमारे टैक्स के स्ट्रक्चर में एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था हो उसको हो, और जितने सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं चाहे वो करें, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारे पैरामीटर्स पे हम करेंगे। इस संबंध में हमने जो प्रयास किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज फाइनेंस बिल पे सबसे पहला, अभी जब कल हमारे निशिकांत जी बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने नाम ले लिया उस समय के वित्त मंत्री का, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सच्चाई क्या है। सच्चाई आखिर अगर इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था उसके सेक्शन 56(2) में किस सन में एंजल टैक्स लगा और उस एंजल टैक्स का क्या परिणाम हुआ, उस परिणाम पर सरकार ने फिर क्या कदम उठाए थे, इसकी चर्चा तो सदन में होगी। और उस एंजल टैक्स लगने से क्या हुआ कि जो भी स्टार्टअप था और स्टार्टअप में कोई युवा रहा, आज प्रधानमंत्री जी ने फैसला ऐतिहासिक एंजल टैक्स को ख़त्म नहीं किया है, देश के युवाओं के स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट निवेश इसको बड़ी राहत मिली है और देश को फ़ायदा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसलिए कि आज जब उस इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 56(2) में 2012 में जब सरकार थी उनकी, कौन वित्त मंत्री था मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन एक एंजल टैक्स लगा, देवदूत टैक्स, क्या लगा कि अगर कोई स्टार्टअप करेगा, कोई युवा उद्यमी कोई निवेश करेगा तो वो मार्केट से या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से कोई भी जो स्टार्टअप के लिए पूंजी लेगा उसमें उसको एंजल टैक्स 30% देना पड़ेगा। उसका नतीजा क्या हुआ, MSME सारी देश की MSME सेक्टर जिस तरह क्राइसिस में हो गई, कोविड के दौरान जिस तरीके से हमारी सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लगा कि पूरी दुनिया उस कोविड की
क्राइसिस से जूझ रही थी, दुनिया के सामने ब्रेड बटर का संकट हो गया था, उस समय भी 3 लाख करोड़ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिस तरीके से एमएसपी सेक्टर को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है, आज उसी का नतीजा है कि एमएसपी रिवाइवल हो गया है और एमएसपी में आज लघु उद्योग स्थितियाँ देश के लोगों को रोजगार दे रही है। तो एमएसपी का कोई व्यक्ति, कोई वह कोई नौजवान जब वो लेता है निवेश, अब वो एक अपना DPR बनाता है प्रोजेक्ट का, अब उसके अगेंस्ट अगर उसने बैंक से या कहीं से मार्केट से लोन लिया, अब उस पर अगर 30% का टैक्स एंजल टैक्स के रूप में कट जाएगा तो स्वाभाविक है उसका प्रोजेक्ट नहीं पूरा होता। हमारे आपके चाहे उनके प्रतिपक्ष के भी क्षेत्र में रोज होता कि साहब हमने इतना करोड़ की पूंजी लिया था, राइस मिल हमने खड़ी कर दी, अब राइस मिल के लिए पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि 30% एंजल टैक्स दे दिया। अब अगर उसने अपनी घर की पूंजी लगा करके राइस मिल लगा दी तो उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं कि वो धान खरीद सके किसानों से और खरीद करके वो फिर चावल बना करके बेच सके। अब एक नौजवान ने लोन ले लिया, बैंक का EMI चलने लगा और उसके एंजल टैक्स के कारण वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ, वर्किंग कैपिटल नहीं है, आज ये एंजल टैक्स नहीं हटा है, इस देश के युवा उद्यमियों का स्टार्टअप सफल होगा और वो वर्किंग कैपिटल भी उनको मिलेगा और उनका प्रोजेक्ट भी पूरा होगा, आज इस एंजल टैक्स के समाप्त करने से ये लाभ हुआ। तो स्वाभाविक है कि आज ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है, उस एंजल टैक्स पर भी बात की जा रही है जबकि 30% लग रहा था जो किसी भी स्टार्टअप के लिए ठीक नहीं था। और आज जिस तरीके से हमारी सरकार ने कहा हम थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे, तो आखिर थर्ड इकोनॉमी अपने आप बनती है? 10 साल पहले हम 11वें पायदान पर खड़े थे, दुनिया के 11वें पायदान पर खड़े थे, आज उस अर्थव्यवस्था में 10 वर्षों में कोविड की क्राइसिस भी आई, जब सारे जगह निवेश घटने लगा, हमारे मूवर जो कांग्रेस पार्टी के थे श्री अमर सिंह जी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि FDI नहीं आ रही है, FDI डिक्रीज हो रही है, FDI का निवेश नहीं हो रहा, मैं उसको आगे बताऊँगा, या हमारे जिस तरीके तृणमूल कांग्रेस की हमारी बहन ने कहा, तो आज FDI आती है, आज जिस तरीके से उस क्राइसिस में हम 11वें पायदान से 5वें पायदान पे हम पहुँचे, आज ये अगर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में जिस समय हमको 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय इसी पार्लियामेंट में डिस्कस होता था, हम लोग सदस्य थे, कि आज भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी की चर्चा होती थी कि भारत की इकोनॉमी टॉप में नहीं, फ्रेजाइल मतलब कि चरमराती हुई टूटती हुई अर्थव्यवस्था थी और यहाँ के लोग अपना पूंजी निवेश जो लगा रखा था वो भी अपना विड्रॉ करके दुनिया, अभी तो मेरा शुरू हुआ है सभापति जी अब कृपा करिए, तो वो टॉप 5 फ्रेजाइल से वो टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, मैं इसके लिए भी बधाई दूंगा अपने सरकार के उस प्रयास को। और यही नहीं रुकने वाले, 2027 में हम इसको दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाएंगे इसी तरह के फैसलों से, जब हम टैक्स रिफॉर्म से लेकर के एंजल टैक्स को ख़त्म कर रहे हैं तब उस तरीके से बनाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारी अमर सिंह साहब ने कहा कि साहब ये उनका है कि सेज अबाउट FDI, ही सेड द FDI इन इंडिया इज लो इन लास्ट फ्यू ईयर्स बट द एक्चुअल फिगर ऑफ द FDI आई वॉन्ट टू शो। मैम आप देखें कि 2004 से 14 तक FDI कितनी थी, $408.79 billion भारत में थी जब कांग्रेस UPA की सरकार थी, और $408.79 billion जो 2004 से 14 तक हमारे पास FDI थी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 408 से बढ़ के $667.410 billion हो गई है, ये देश की FDI है। और FDI की जिस तरीके से आ रहा है मैं उसके भी संबंध में कहना चाहता हूँ कि FDI किस तरीके से आ रही है। आज FDI जब कोविड था उस समय भी जब पूरी दुनिया में FDI कम हो रहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत में उस समय भी 13%, आप याद करिए जब चाइना के वुहान से कोविड के वायरस ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था, उस समय लोग चाइना से निकलने लगे, तब उन्होंने जापान को नहीं चुना, कोरिया नहीं चुना, उन्होंने यूरोप को नहीं चुना, सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आने लगा। और उस समय भारत में ये रिकॉर्ड है कि 13% FDI आई, चाइना में केवल 4%, इंग्लैंड में 100% FDI कम हुई, ये स्थिति FDI की थी। और आज पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स में विश्वास है, इसलिए कि दावोस के आर्थिक सम्मेलन में अगर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे सुरक्षित है निवेश के लिए, भारत में सुरक्षा भी है,
भारत में निवेश करने का अवसर भी है, और आज पूरे दुनिया के लोगों को विश्वास हुआ है, और आज उसी के कारण दुनिया में सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन FDI का भारत बना है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार। अरे पाँच मिनट और दे दीजिए जरा थोड़ा। आज आप देखें कि हमने TDS में किस तरीके से कम किया। दो एक ही बिंदु कहूँगा मैं, पूरे फाइनेंस बिल पे नहीं कहूँगा। आज TDS जो टैक्स डिडक्शन, माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, टैक्स डिडक्शन, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, अच्छा दो मिनट दे दें। मतलब आज अभी तक ऑनलाइन की कोई खरीदारी होती थी इंश्योरेंस पे, लॉटरी पे, हाउस रेंट पे, आज TDS 5% कटता था। इसमें कितना बड़ा एक बैरियर था। और आप देखें, मैं जल्दी जल्दी कह देता हूं कि TDS में सेक्शन 194D में पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ अदर देन कंपनी, जो आज तक 5% TDS कट रहा था, उसको इस बार 2% TDS में किया है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई दूंगा। सेक्शन 194DA में पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वी आर ऑल अफेक्टेड, वी आर ऑल रिलेटेड विद द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब 5% इसका TDS था, अब 2% हो गया, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूँ। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, इसके लिए 5% TDS था, 2% हुआ। सेक्शन 194H पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज ऑफ, ये भी 5% था। इसी तरीके से TDS आपका पेमेंट ऑफ रेंट बाई क्रिएशन इंडिविजुअल्स आर एनी हाउस अर्बन फाइनेंशियल, इस पर भी 5% था, 2% हुआ। पेमेंट ऑन सर्टेन सम्स बाई सर्टेन इंडिविजुअल्स, ये भी हाउस अर्बन फाइनेंशियल, 5% से 2% हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 194O में जो हुआ है अमेंडमेंट, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो हम कहीं भी घर से खाना मंगाते हैं, कहीं किसी को मंगाते हैं, उस पर भी TDS हमारा 1% कटता था। आखिर किसके जैसे ये आम कॉमन मैन को घरों में, आज चाहे हम फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, या कहीं से सामान खाना मंगा रहे हैं, उस पर अभी तक 1% TDS कटता था, 1% से घटा के 0.1% किया गया है। निश्चित तौर से इससे देश के आम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मैं इसी तरीके से आपसे कहना चाहता हूँ पेंशन के संबंध में, कि पेंशन डिडक्शन हुआ, कि अभी तक पेंशन के जो पेंशनर्स को पेंशन के डिडक्शन की स्कीम थी, मैं केवल फाइनेंस कंप्लीट करिए, केवल फाइनेंस बिल ये बात करके खत्म कर दूंगा। अभी तक 10% का डिडक्शन का प्रोविजन था। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, और अब 2024 के बजट में इसको बढ़ा करके 14% कर दिया गया। इससे रिटायरमेंट के बाद उनके पास जो पेंशनर्स को एक बड़ा निवेश मिलेगा, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी। और मैं आप इस पर सुन लें मैम, कि आज इंक्रीज डिडक्शन ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेक्शन 80CCD प्रोवाइड्स ए डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम अप टू 10%। बजट 2024 हैज नाउ इंक्रीज द लिमिट डिडक्शन लिमिट टू 10-14% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसी तरह से STT ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये है अदर टैक्स है, रिपोर्टिंग ऑफ ITR। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किया है आज फॉरेन, मैं आखिरी बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। आज मुझे कहा गया था आधा घंटा मिलेगा, अभी तो शायद 7-8 मिनट हुआ होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फॉरेन कंपनीज पे भी क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे? उनको लगता था कि यहाँ सिंगल विंडो नहीं है, इन तमाम यहाँ के भारत के रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसके लिए मैं बधाई दूंगा कि इस तरह के तमाम रूल्स रेगुलेशंस को ख़त्म किया, और आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके नेट इनकम, उनके प्रॉफिट पे जिस तरीके का टैक्स लगता था उसको भी 40% से घटा के 35% किया, और जिसके कारण इतना बड़ा निवेश बढ़ रहा कि आने वाले दिनों में दुनिया में भारत से ज़्यादा कहीं निवेश नहीं होगा। तो आप इसका समर्थन करें कि आज ये फाइनेंस बिल जिस तरीके से आया है, इस फाइनेंस बिल पे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत एक निश्चित तौर से, चाहे अपने टैक्स से सिंप्लीफिकेशन से, और अपने जो और तमाम हमारे उन्होंने किया है उस संबंध में भी। धन्यवाद माननीय सदस्य जी। मैं बात बस अपनी ख़त्म कर देना चाहता हूँ, कैपिटल गेन की बात कर दूँ, बस केवल कैपिटल गेन की बात, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माननीय सदस्य जी, एक मिनट आखिरी लाइन पे, सिक्योरिटी जो बॉन्ड है या म्यूचुअल फंड है, उनकी जो सिक्योरिटीज की प्रतिभूतियाँ थी, अभी तक उनकी होल्डिंग कैपेसिटी केवल 12 महीने की थी। आज उसको 12 महीने के बाद रिन्यूअल करना पड़ता था, और अब 2 साल की गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, उससे इतना बड़ा फायदा होगा कि हमारे उन लोगों को इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और दूसरी बात निम्न मध्यम वर्ग के लोग लाभ होगा, कि अब वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
उसमें 12 महीने से 24 महीने के बाद 1 लाख रुपए की जगह पे 1.25 लाख का लाभ मिलेगा, जो पहले 10% थी उसको 12.5% इसलिए संभव हो पाया है कि आज प्रधानमंत्री चाहते कि आधुनिक विकसित सोच का एक ऐसा बने। आज जब डिजिटल इंडिया की बात करते थे, आज ये सारी चीज़ें जो हमको मिला है, इसलिए कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है, जिस तरह डिजिटल माध्यम से इन कामों को हम कर रहे हैं, न ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, न ब्रोकर भी पैसा लेता था और सारी चीज़ें लेता था, चाहे LIC हो, चाहे शेयर मार्केट हो, SBI हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। माननीय सदस्य श्री हमदुल्ला सैयद जी। थैंक यू मैडम स्पीकर। मैं जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तब से रोज़ 0 आवर के लिए नोटिस लगा रहा हूं, लेकिन आज मुझे मौका मिला है बोलने का, तो और ये मेरा सेकंड टाइम। सदस्य मैं निवेदन करी, 0 नहीं है ये बिल। मैं जानता हूं मैम, फाइनेंस बिल पे ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 0 आवर पे रोज़ नोटिस लगाता था, हुआ नहीं, तो आज बहुत खुश हूं कि फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका मिला। चलिए समय में कंप्लीट करिएगा प्लीज। मैम जैसे सबको टाइम देते हैं, आप मुझे भी टाइम देंगे, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। तो स्पीकर मैम, आई वुड लाइक टू थैंक माय पार्टी लीडर श्री राहुल गांधी जी, द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड माय पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस ऑगस्ट हाउस ऑन फाइनेंस बिल। दिस इज माई सेकेंड टर्म इन द लोकसभा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द कॉन्स्टिट्यूएंट्स